हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल। आपको पता है बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं जिसमें हमें ये लगता है कि इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से तो ये पता चलता है कि ये इलायची बेच रहे हैं, ये सौंफ बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोडा बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग म्यूज़िक सीडीज़ बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पानी बेच रहे होते हैं। लेकिन दरअसल जो म्यूज़िक सीडीज़ बेच रहे होते हैं, जो सोडा बेच रहे होते हैं, जो पानी बेच रहे होते हैं, दरअसल वो शराब बेच रहे होते हैं, वो बियर बेच रहे होते हैं। जो इलायची बेच रहे होते हैं वो दरअसल गुटखा बेच रहे होते हैं। जो सौंफ बेच रहे होते हैं, माउथ फ्रेशनर कह के जो बेचते हैं, दरअसल वो गुटखा बेच रहे होते हैं। माउथ फ्रेशनर कह के जो बेचते हैं, दरअसल वो गुटखा बेच रहे होते हैं। यही सेम कहानी अमिताभ बच्चन साहब के साथ में हो गई। अभी जब उन्होंने कमला पसंद का जो विज्ञापन किया, जब दर्शकों ने, उनके फैंस ने वो ऐड देखा, तो वो बिग बी से बहुत नाराज़ हो गए। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। और फाइनली अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला अपने बर्थडे यानी कि 11 अक्टूबर के दिन लिया और कमला पसंद के साथ में अपना करार ख़त्म कर दिया। करार भी ख़त्म कर दिया, उनसे जो फीस उन्होंने ली थी वो फीस भी उन्होंने वापस कर दिया। ये होती है एक हीरो वाली बात। तो अमिताभ बच्चन साहब को मेरी तरफ से 21 तोपों के सलामी, ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ ढिचके आओ। अब देखते ये हैं कि ये जो 21 तोपों के सलामी अमिताभ बच्चन साहब ने लिया है, ये सलामी सलमान खान कब लेंगे, ये सलामी शाहरुख खान कब लेंगे, ये सलामी अजय देवगन कब लेंगे, ये सलामी टाइगर श्रॉफ ने भी एक इसी तरह के गुटखा कंपनी में काम किया है, यानी कि उस गुटखे के विज्ञापन में काम किया, कंपनी में काम नहीं किया है। इसी तरह महेश बाबू जो साउथ के सुपरस्टार हैं एक तरह के, उन्होंने भी उसी साथ में टाइगर श्रॉफ के साथ में वो भी नज़र आए हैं। इस तरह के विज्ञापन में मनोज वाजपेयी जी भी नज़र आ चुके हैं। इस तरह के विज्ञापन में बाबा इलायची, अक्षय कुमार ने बाबा इलायची बेची हुई है। तो ये सारे वो लोग हैं जो इलायची के नाम पे, सौंफ के नाम पे, पानी के नाम पे, म्यूज़िक सीडीज़ के नाम पे और सोडा के नाम पे बहुत कुछ परोसते हैं इस समाज के लिए, जो समाज के युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ख़वातीनों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। और अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कमाल का काम किया है। फैंस की उन्होंने इज्जत रख लिया और फैंस को उन्होंने अपना डबल फैन बना लिया, यानी कि अब वो एसी और कूलर बन गए। ये होती है सदी के महानायक वाली, सुपरस्टार वाली बात। तो बहुत जल्द हम मिलते हैं और आपको ये सारे एडवर्टीज हम आपको यानी कि स्पीड में आपको दिखा देते हैं कि वो कौन कौन से ऐड हैं जिनमें शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, रणवीर सिंह साहब और अजय देवगन साहब और टाइगर श्रॉफ साहब, ये सारे लोग जिन लोगों ने काम किया है वो सब मैं दिखा देता हूँ। हमारे भाईजान सलमान खान साहब भी राशन बेचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप, और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का दी अमान शो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद।